आज बहुत दिनों से लोगों का सजेशन था और इच्छा था कि हमारा जो मार्केट को लेफ्ट राइट जो ओपनिंग करता था उसको लेके काफ़ी सजेशन मिला है। इसका मुताबिक से आज इसको रिव्यू किया गया है स्टेट हेल्थ स्पोर्ट्स का मीटिंग में, और इस मीटिंग का बाद हमारा जो ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स में जितने भी जो लेफ्ट राइट का जो दुकान खुलता था अभी वो दोनों साइड खुलेगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों का सभी व्यूअर्स को, हमारा जो मार्केट है वो लेफ्ट राइट नहीं करके अभी दोनों साइड कल से खुलना शुरू करेगा। और दूसरा है, इस कर्फ्यू का टाइमिंग को लेके बहुत लोगों ने शिकायत किया, ट्रैफिक का जो इशू को लेके, और लोगों का कहना था कि थोड़ा कर्फ्यू को थोड़ा रिलैक्स करने से ठीक है। तो इसलिए आज का मीटिंग में यही फाइनल किया गया, जो 1:30 तक दुकान जो बंद करता था अभी आप 2:30 तक आप दुकान खोल सकते हैं। तो उन लोगों का कहना है कि सुबह में दुकान नहीं होता है तो ये दोपहर का समय में दुकान खुलता चलता है, तो इसलिए पब्लिक का इंटरेस्ट को देखते हुए। और दूसरा है मेन जो हमारा पॉजिटिविटी रेट है, तो ये लास्ट वीक का जो पॉजिटिविटी रेट है आपका 9 point something जो हो गया है, तो 10% का आसपास हमारा चल रहा है। तो जिसके चलते हम थोड़ा से रिलैक्सेशन का मूड में सभी लोगों ने इच्छा किया कि ये टाइमिंग को भी थोड़ा से 2:30 तक किया जाएगा। और हमारा जो कोविड का जो कर्फ्यू जो था पहले जो 3 बजे था अभी 4 बजे कर रहा है, तो 4 बजे करने का मतलब यही है कि हमारा जो कोविड का जो पॉजिटिविटी रेट को लेके आगे आप लोगों से निवेदन है कि मैं आस्ते आस्ते करके हम रिकमेंड करेंगे कि हमारा जो कर्फ्यू जो है रिलैक्सेशन और भी आगे चले, क्योंकि आप लोग असम में भी देख रहा होगा वहाँ में भी काफ़ी कोविड कर्फ्यू लगाया हुआ है। तो हमें यहाँ ईटानगर में जो लोग बाहर जाते हैं उसका टाइमिंग भी थोड़ा मिलाना होता है, फिर भी हम लोग अपना जो पॉजिटिविटी रेट जो है वो बीच में 15% से ऊपर चला गया था। तो अभी कोविड हम लोग आप लोग का जितना भी ईटानगर में लोग है आप लोगों ने ये कोविड का जो वैक्सीनेशन है वो हमारा अभी 103% हम लोग कर गया है। तो इस हिसाब से दूसरा जो पॉजिटिविटी रेट है उसको देखते हुए, तो फिर भी आप लोग से निवेदन होगा, रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग जब भी मार्केट दोनों साइड खुलता है आप लोग अपना जो मास्क पहनना, डिस्टेंस मेंटेन करना, हाइजीनिक रखना, ये सब आप लोग रखिएगा। और आप लोग का आसपास में कोई वैक्सीन को नहीं लिया है वो वैक्सीन को लेने दीजिएगा, ताकि सब सेफ रहे, कोई इस महामारी में कोई तकलीफ ना हो। और ये जो है हमारा जो 13 August 2021 तक ये ऑर्डर रहेगा, और आप लोग का सपोर्ट रहेगा कोविड का सारा एप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करने से हम लोग और आगे हमारा जो टाइम को और ये जैसे अभी 4 बजे जो रखा है आगे हम लोग और भी उसको ये कर सकते हैं, रेस्ट्रिक्शन को हम लोग और भी उतार सकते हैं। इसलिए मेरा अपील यही है कि सभी लोग, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, पालन करें जो कोविड से बचने का और पॉजिटिव होने का। तो इसको ट्रैफिक को लेके अभी नाहरलगन में जो अभी हमारा जो एक बाईपास जो बनेंगे, वो बाईपास जो अभी बुरम और हेलीपैड का जो ब्रिज है उसको लेके भी हम लोग चर्चा किया, ताकि वो ब्रिज जल्द बन जाने से वहाँ से भी हमारा काम थोड़ा से ट्रैफिक थोड़ा जाम कम होगा। और उसका बाद हमारे लेकी से जो रेलवे का जो एक रास्ता है बुरम बस्ती में निकलता है उसको लेके भी हम लोगों ने चर्चा किया, क्योंकि ईटानगर में अभी बात करें तो अभी लोगों का जो है एक ट्रैफिक जाम में एक गार्बेज इशू है लेके सब
ये हम लोग सुनते हैं, हम लोग देखते हैं। तो अंडर पास को लेके भी काफ़ी चर्चा हुआ है। तो अंडर पास को बारे में बात करने से ऐसे तारीख पे तारीख चला जा रहा है, लोग इसमें काफ़ी वीडियो और मीडिया में भी चर्चा हो रहा है। मेरा तरफ से अभी जो अंडर पास को 3 महीना का जो टाइम दिया था, तो उससे पहले में 3 बार हमने काम को रोक के रखा था। जब तक मेन मटेरियल एंड मशीन अवेलेबल नहीं होता है, हम इसको काम को रुका के रखा। अल्टीमेटली लास्ट में चीफ इंजीनियर हाईवे जो है कुरुसरा साहब और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हाईवे नानी तत् साहब और टीके के जो एमडी है रोतु साहब ने चीफ इंजीनियर को बोला कि ये 3 महीना में ख़त्म होगा, तब जाके हम लोगों ने उनको होगा ठीक है। क्योंकि हम लोग को मालूम था कि ये रास्ता बहुत ही इशू वाला रास्ता है, मार्केट है, उसके बाद ट्रैफिक है, इसको लेके 3 महीना का उन लोग एश्योरेंस दिया था। तो उस हिसाब से हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहीं कोई पूछने से यही हम बताता है कि तीन महीना में होगा। बाद में उन लोगों ने फिर कहा कि इलेक्शन हो गया, लेबर लोग चला गया, इसलिए वो काम को ये अनदर एक टाइमलाइन दिया। तो वो टाइमलाइन को ऊपर में उन लोगों ने बोला कि ख़त्म हो जाएगा, जबकि उन लोगों ने झूठ बोला कि 3 महीना ख़त्म करने का जो मेन मटेरियल एंड मशीन अवेलेबल है बोला। लेकिन बाद में आप लोग देखा होगा कि वो जो सतरिंग जो लगाने वाला सामान है नहीं है। मैंने बहुत क्वेश्चन किया, आप ये रेडी नहीं तो क्यों काम को स्टार्ट किया? फिर बहानाबाजी करके उन लोग बोला कि इलेक्शन का बात बताया, फिर इलेक्शन का बात बोला तो नया टाइमलाइन कहा, तो चीफ सेक्रेटरी का इधर में नया टाइमलाइन दिया, वो नया टाइमलाइन भी चला गया। इलेक्शन का बाद भी नया टाइमलाइन दिया, वो भी ख़त्म हो गया। फिर उस दिन चीफ सेक्रेटरी का सामने में फिर एक नया टाइमलाइन दिया कि अगस्त में ये रास्ता तो ओपन करेंगे। तो अभी कल हमको फिर चिट्ठी लिख के जवाब दिया कि ये अगस्त तक ये रास्ता नहीं होगा। तो ये टाइम पे टाइम देखते जा रहा है और इसका सरकार इसको हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कॉन्ट्रेक्टर और डिपार्टमेंट का बीच में जो एग्रीमेंट होता है, टेंडर होता है, उस हिसाब से उन लोग अपना काम को चलाता है, जिसका कारण से अभी लोग बहुत तकलीफ है। तो इसलिए ट्रैफिक को लेके अभी ऊपर में वो अंडर पास का वजह से ट्रैफिक ऊपर में डाइवर्ट किया गया है। इसलिए हम लोगों ने परसों का मीटिंग में यही किया कि जो आप लोग देखता होगा कि ये जो गाड़ी जो है छोटा से एक गड्ढा हो जाने से छोटा गाड़ी वहाँ पे रुक जाता है, रुकने का कारण से पीछे 2 मिनट में 1 किलोमीटर का गाड़ी हो जाता है। इसलिए लास्ट परसों का मीटिंग नरसों का मीटिंग में हमने यही बोला कि कमिश्नर PWD और AC को बोला कि ये जो गांधी मार्केट में जो रास्ता है थोड़ा ख़राब है, उन लोगों का कहना है कि उसको CC पेवमेंट बनाएंगे। तो हम बोला कि CC पेमेंट बनाएगा तो फिर वही सेम जो आपको 1 महीना क्यूरिंग का टाइम होता है ये नहीं होगा, इसको हमारे बिटुमिन कारपेटिंग करने के लिए हम लोगों ने अप्रूव कर दिया इस मीटिंग में। और उसमें ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर का दूरी है। अगर वो भी अगर सी सेक्टर डेली मार्केट का अगर वो जो है कारपेटिंग कर देता है रास्ता, तो इसमें तो होने से गाड़ी स्पीड होके थोड़ा हमारा ट्रैफिक थोड़ा कम होगा। दूसरा है ऊपर जो हेलीपैड से भी हम गाड़ी को डाइवर्ट करता है, वहाँ में भी छोटा है रास्ता, तो उनका भी ऑलरेडी 5-6 महीना पहले हम लोगों ने एक एस्टीमेट भेजाया है। तो एस्टीमेट को भी सेंक्शन कराने के लिए हमारा चीफ सेक्रेटरी इंचार्ज जो है कमिश्नर PWD को इंस्ट्रक्शन दिया है कि इसको जल्दी सेंक्शन करा करके और रास्ता को थोड़ा से इविक्शन करना होगा, शिव मंदिर के ऊपर में वाइडनिंग करने का भी अप्रूवल हो गया। इस प्रकार से अभी जो भी यहाँ नाहरलगन का बीच में जो गदागुदी, जैसे आपका डी सेक्टर देखा होगा, डी सेक्टर जो हाथी माता का उधर में भी थोड़ा रास्ता ठीक नहीं है। गाड़ी जो है वहाँ हम लोगों ने ड्रोन से भी देख रहा है कि गाड़ी क्यों इसमें कंजस्टेड हो जाता है, तो वो कंजस्टेड को डी कंजस्ट करने के लिए हम लोग मीटिंग बैठा और कोशिश ये है कि वहाँ जा गदा गदा छोटा छोटा गदा है उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उसको फिलअप करके बनाया जाए और उसको लेके 11 तारीख को एक्शन टेकन रिपोर्ट को ले रहा है। तो जैसे एक्शन टेकन रिपोर्ट को लेके 11 तारीख का बाद फिर से एक रिव्यू मीटिंग ले रहा है, लेके ये ट्रैफिक के इशू को सॉल्व करने के लिए सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट सब, होम डिपार्टमेंट लोग और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट लोग सब अभी ये चर्चा में है। और हम लोग कोशिश में है, जैसे अभी हमारा 4 लेन है
फोर लेन में पैकेज सी को ऑलरेडी हम लोग हैंड ओवर कर चुका है 90% का, पैकेज बी को अभी इमीडिएटली हैंड ओवर करने से हमारा जो काम है फ्लाई ओवर जो है ये बेंजामिन होटल से पूरा मॉडल भी ले जाएगा, तो ये काम करने का समय में भी हमारा काम रास्ता को तकलीफ होगा। इसलिए उस दिन का चर्चा में यही है कि हम पप्पू नाला जो है पप्पू नाला ब्रिज पार करके वहाँ से सीधा यूपिया तक वो बैक साइड में पहाड़ से 1 किलोमीटर आधा का जल्दी और सड़क को बनाना है ताकि ये जो कंस्ट्रक्शन अभी शुरू हो रहा है पैकेज बी का, तो उस समय में भी हमारा इशू को कैसे रिजोल्व करना है। तो इसलिए शॉर्ट टर्म प्लान, मिडिल टर्म, मीडियम टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान के लिए काफ़ी हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं, कोशिश में है लोगों का ये जो ट्रैफिक जाम को लेके सरकार और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सब लगा हुआ है।